हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो हमारे चिंतन के फलस्वरूप आते हैं। कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को सोचते हैं। हमारा भोजन अशुद्ध है, हमारा संग दूषित है, हमारा आचरण दूषित है, और हम जब भजन करते हैं तो वह दूषित चीज़ें हमारे मन में आती हैं। पहले नहीं आती थी तो पहले कोई सद्गुरु संत कृपा रही होगी जिसका अब अभाव है। आपका कोई वैष्णव के प्रति या सेवा के प्रति अपराध भी हो सकता है। भजन को भक्ति को जो लोग नाटकीय बना देते हैं, उससे प्रशंसा प्राप्त करते हैं, उससे धन प्राप्त करते हैं या अपने भाव का बखान करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो आप स्वयं निरीक्षण करिए, अपनी दिनचर्या को देखिए। भोजन पर कंट्रोल कर लीजिए 40 दिन, केवल 2 सूखी रोटी, 1 सब्जी या 1 दाल के साथ खाइए। 3 की बजाय 2 समय कर दीजिए। मोबाइल में उल्टी सीधी चीज़ें देखना बंद कर दीजिए। फिल्म टीवी देखना बंद कर दीजिए। जो असत लोग हैं उनके साथ बात करना, मिलना, बैठना, उठना बंद कर दीजिए। और शराब आदि यदि पीते हैं, मांस खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो उसे बंद कर दीजिए। कोशिश करिए मौन रहिए। सबसे पहले आप भोजन को ठीक कर लीजिए। भोजन और असत संग, दुसंग, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं ये उसी का परिणाम है। आप भोजन को दूर कर दीजिए, बाजार का मत खाइए, 40 दिन करिए। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाएगा और भोजन की शुद्धि और संग की शुद्धि से ये सारी चीज़ें फटाक से हट जाएंगी। जय श्री राधे, जय निताई।